हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विथ स्निग्धा। तो आज हम यहाँ 13th अक्टूबर की, ये सॉरी डेट गलत मेंशन है, 13th अक्टूबर की न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर की डिस्कशन के लिए हैं। तो मेजरली ये पांच टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट यही था कि अबाउट द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सिन को एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया है 2 to 18 years ऑफ चिल्ड्रन में यूज़ करने के लिए। अभी DCGI जो है हमारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो फाइनल अप्रूवल देगा, उसके बाद ही बच्चों में ये वैक्सीन यूज़ हो पाएगी। तो इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन की जो वैक्सीनेशन नीड्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट्स, तो हमें बहुत ही केयरफुल तरीके से जो है वैक्सीन को लॉन्च करना पड़ेगा। उनकी डेवलपमेंटल नीड्स और उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स सब डिफरेंट होती हैं एडल्ट से, तो इसीलिए ही WHO ने ये रिकमेंड किया था कि जो चिल्ड्रन पे क्लिनिकल ट्रायल्स है वो असेंशियल है ताकि एज स्पेसिफिक जो है डिसीजन ऑन वैक्सीन लिया जा सके। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही बताया जा रहा है कि वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट चाइल्ड वैक्सीनेशन और स्पेसिफिक ट्रायल्स नेसेसरी हैं। उसके बाद ये आर्टिकल था इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज, इसमें बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो फ्लॉज इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि रिसेंटली पेंडोरा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन में ये रिलीज़ हुआ है कि ग्लोबली जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है। तो पहले ये इन्वेस्टिगेशन है क्या, वो थोड़ा देख लेते हैं। ये पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट की, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जर्नलिस्ट की कोलैबोरेशन से ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है। तो मेजरली इसमें 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट जो हैं 150 मीडिया आउटलेट से और 107 कंट्रीज से जो बिलोंग करते थे वो इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने दुनिया भर के 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया और जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इलीगल और इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज हैं उनके बारे में दुनिया के सामने रखा है। तो मेजरली ये लोग जो रिच पीपल हैं या पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज जिनके पास बहुत सारा पैसा है, एंड दे यूज़ डिफरेंट वेज टू हाइड देयर मनी, बेसिकली टैक्स इवेड करने के लिए वो ये करते हैं कि उनको ज़्यादा टैक्स रेट ना पे करना पड़े, इसलिए ये टैक्स हेवंस या ये इलिसिट एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो वो मॉडस अप्रेंडी का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट है जो आपके GS-3 में कवर होता है। आप करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, प्लेसमेंट, देन लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट में आप जो आपकी इलिसिटली इलीगल वे से जो भी आपने मनी जो ली है उसको आप किसी लीगल बैंकिंग सिस्टम में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लेयरिंग, उसके ओरिजिनल सोर्स को आप छुपाने की कोशिश करते हैं। यही बताया गया है कि वो कैसे करते हैं कि एक शेल कंपनी खोल दी या ट्रस्ट खोल दिया किसी भी टैक्स हेवन में जहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं मांगी जाती, तो एक शेल कंपनी से दूसरी शेल कंपनी में, दूसरी शेल कंपनी से तीसरी शेल कंपनी में ऐसे मनी ट्रांसफ़र करी जाती है और ये पिछली जो शेल कंपनीज हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर किसी टैक्स अथॉरिटी ने यहाँ आपके पास इलिसिट मनी पकड़ भी ली तो वो बैक ट्रैक अगर करने जाए तो वो बैक ट्रैक नहीं कर पाएगा सोर्सेज को, क्योंकि ये शेल कंपनी साथ के साथ ख़त्म करते जाते हैं। तो ये एक वे है लेयरिंग का, लेयरिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग का। उसके बाद होता है इंटीग्रेशन, दैट इज़ कि अपनी नॉर्मल इकोनॉमी में वो जो पैसा आपने ये छुपा के रखा है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो ये बेसिकली ऐसे पैसा मूव किया जाता है, ये इसका एम यही होता है कि अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर दिया जाए अगर लीगल वे से भी अर्नड है मनी। इलीगल मनी को भी छुपाने के लिए ये सब प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमा रहे हैं तो उसको आप लीगली शो नहीं कर सकते, उसको छुपाने के लिए, उसको लीगल बनाने के लिए भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो इसमें राइटर कहते हैं कि अब हर एक कंट्री को अपनी एक इन्वेस्टिगेशन अलग से लॉन्च करनी चाहिए ऐसी इलिसिट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। राइटर ऑल्सो मेंशंस कि UK जैसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इतने लूज लॉज हैं फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए जो कि मिसयूज़ किए जाते हैं रिच पीपल द्वारा। जैसे कि ये एग्जांपल देते हैं कि कोई भी फॉरेनर UK में जाके रेंट या बाय कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को, तो वो जो
उसके लिए पैसा यूज करेंगे और सोर्स ऑफ फंड उसके लिए नहीं पूछा जाएगा यूके में। इससे यूके को क्या फायदा होता है, उसे पैसे मिल रहे हैं, लोग आके उसकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये पूछते नहीं हैं। तो इलीगल सोर्सेज से पैसा आता है और इलीगल एरियाज में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये एक बहुत कंसर्न है जिसको कंट्रीज को डील करना चाहिए। तो इंडिया में ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस को डील करने के लिए क्या किया गया है, आप देखिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट जो है वो अपॉइंट की थी ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन केसेस को असेस करने के लिए। आगे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस कर रही है। राइटर कहते हैं कि मेजर जो ब्लैक मनी का चंक है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है, तो उस तरफ भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद फाइनली राइटर कहते हैं कि दुनिया ने एक बड़ा स्टेप तो लिया है ग्लोबल इकोनॉमीज ने बाय अप्लाइंग 15% मिनिमम टैक्स रेट ऑन कॉरपोरेट्स। इससे क्या होगा, टैक्स हेवन्स को हर्ट होगा। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया है टैक्स हेवन जो होता है बहुत लो टैक्स रेट होता है, उसमें 10% 12% इतना भी नहीं होता होगा, इसीलिए कंपनीज जो है वहाँ जाके इस्टेब्लिश होती हैं अपनी टैक्स की लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए। अब अगर इन्होंने रूल बना दिया है कि कोई भी कंट्री 15% से कम नहीं ले सकती, तो इससे टैक्स हेवन्स जो हैं वो थोड़े उन पे इशू आएगा, टैक्स सेवन जो है वो सर्वाइव उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ द होप, इट्स होप्ड कि ये मेजर जो है वो तो हेल्प करेगा ऐसे टैक्स सेवन्स को ख़त्म करने के लिए। बस फिर राइटर कहते हैं कि इससे आगे हमें चाहिए कि हम बैंक्स में जो सीक्रेसी चलती है उसको एंड करना चाहिए। देखिए कुछ स्विस बैंक्स होते हैं जहाँ पे आप नेम के थ्रू आपका अकाउंट नहीं खुलता, जस्ट नंबर्ड अकाउंट्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत इलिसिट जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सपोर्ट करती है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस के ऊपर टॉबिन टैक्स भी लगना चाहिए, ये एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो बेसिकली क्रॉस नेशनल ट्रांजैक्शंस पे ये सजेस्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली राइटर की सजेशंस हैं। तो आप ये मनी लॉन्ड्रिंग के अपने टॉपिक पे पेंडोरा पेपर्स की एग्जाम्पल जो है मेंशन कर सकते हैं और इसमें से स्टेप्स उस मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इस आर्टिकल में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस राइटर कह रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ US अप्लाइंग सैंक्शंस इंडिया पे। वो पॉसिबिलिटी कितनी है वो राइटर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इंडिया जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है रशिया से बाय कर रहा है, तो बेसिकली ये S-400 दुनिया का बहुत ही आधुनिक और सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जैसे समझ लीजिए अगर कोई इंडिया पे एयर के थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है मिसाइल्स वगैरह फायर करके, तो ये S-400 अगर हमारे पास इंडिया के पास होगा तो ये जो है इन मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के हॉस्टाइल नेबर्स हैं, तो इसलिए इंडिया की अपनी एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए S-400 बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए इंडिया इसको रशिया से बाय कर रहा है। बट US इसके खिलाफ है, US कहता है कि जो भी कंट्री रशिया से S-400 सिस्टम खरीदने वाली है उस पर वो काट्सा एक्ट यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंडर सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया के को वो इस लॉ से एग्जेम्प्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो राइटर कहते हैं कि अगर ऐसा सैंक्शन लगाने का डिसीजन लिया भी जाता है तो ये दोनों के बायलेटरल रिलेशंस को बहुत ही सुवेयरली हर्ट करेगा। इंडिया और US के रिलेशनशिप वो बहुत ही वाइड हैं, 50 से ज़्यादा सेक्टर्स में दोनों को ऑपरेट करते हैं, डिफेंस मेजरली है, अब देखिए क्वाड भी है, तो ये सब अरेंजमेंट्स जो हैं इफ़ेक्ट होएगी अगर US जो है सैंक्शंस अप्लाई करने का सोचता है। तो इट इज़ लेस लाइकली कि US सैंक्शंस लगाएगा, बट ये फ्रिक्शन पॉइंट रहेगा इंडिया और US के बीच में। तो आप जब भी इंडिया US रिलेशन की बात करें और आपको ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने हों तो आप ये S-400 या इंडिया के रशिया के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं उसमें ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल था कि फ्री पावर देने की बहुत बिग प्राइस या हमें इश्यूज हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पावर
हाउसहोल्ड्स या एग्रीकल्चर सेक्टर में देने के लिए, तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, इनएफिशिएंट यूज़ हो जाता है। देखिए जितनी फ्री चीज़ें आप देंगी उतना वेस्टेज जो है वो कॉमन है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी चाहे आप वाटर, जो भी रिसोर्स गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है उसका वेस्टेज होना लाजमी है। जब फाइनेंशियल एक कॉस्ट आ जाती है तो हम थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के तरफ। सेकेंड इशू यही है कि क्वालिटी जो ऑफ सर्विस है वो बहुत पुअर हो जाती है। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स को अगर एक्चुअल प्राइस नहीं मिलेगी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो क्वालिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाती, वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाती। इसकी वजह से आउटरेजेस होती हैं, जो वायर्स वगैरह हैं, मोटर बर्नआउट्स होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस ओवरऑल इम्पैक्ट होती है अगर आप प्राइसेस जो हैं वो एडिक्वेट नहीं रखने दे रहे डिस्कॉम्स को। उसके बाद देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स पे सब्सिडी बर्डन भी आ जाता है। ये पावर, फ्री पावर जो है मेजर कॉज होता है स्टेट गवर्नमेंट्स की एक्सपेंडिचर पर जो बर्डन लाए करता है, तो ये सब्सिडी बर्डन को भी ऐड करता है। एंड फाइनली एग्जिट चैनल चैलेंज, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इसे डिस्कस किया गया है एज चक्रव्यूह चैलेंज। तो उसमें यही कहा गया है कि अगर एक बार आप कोई भी स्कीम या सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं तो इट इज़ पॉलिटिकली वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक इट बैक। आप एक बार कोई भी सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं तो पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस लूज करने का थ्रेट रहता है। इस वजह से एग्जिट, आप एग्जिट कोई भी स्कीम लॉन्च तो कर देंगे पर उससे एग्जिट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप मतलब अगर थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि ये जो आपने सब्सिडी लॉन्च की थी ये पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा और ये आपके लिए बर्डन बनता जा रहा है, तो इसको ख़त्म करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए राइटर कहता है कि फ्री और लोअर जो टैरिफ्स हैं वो शॉर्ट टर्म ही मेजर होता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं बट सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ कीजिए जो एक्सट्रीमली इन नीड ऑफ दिस प्रोविजन है। फाइनली जो आज का आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो टूरिज्म सेक्टर पे है, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका, तो थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो कोविड की वजह से टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे मेजर सफरर आप कह सकते हैं कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही रहा है, क्योंकि देखिए क्रॉस कंट्री ट्रैवल बंद हुआ पड़ा है और आपको मालूम ही है कि कितने रिस्ट्रिक्शंस है ट्रैवल और टूरिज्म पे। तो राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट देने का तो इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट की अनाउंसमेंट दी गई है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जब ही इंटरनेशनल ट्रैवल रिज्यूम होगा तो पहले 5,00,000 टूरिस्ट को जो वीज़ा है वो फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा। ये दोनों इनिशिएटिव्स टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद राइटर कहते हैं कि पेंडेमिक से पहले भी टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ई वीज़ाज, ग्लोबल मीडिया कैंपेन, हेरिटेज ट्रेल, पर्यटन पर्व जैसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे। हाउएवर जो राइटर कहते हैं कि अभी हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए इस सेक्टर को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए। तो इस सेक्टर में ऐसा क्या है, इसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, कि हमें इस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि मेंशन किया गया है कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 1,000,000 रुपीज़ या 10,00,000 रुपीज़ अगर आप टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 78 जॉब्स क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स ये बहुत ही एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, जबकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना ही रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ 18 जॉब्स वो आप जो है क्रिएट कर पाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में 45। तो ये देखिए टूरिज्म सेक्टर जो है मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, तो इसीलिए सेंस बनती है कि हम टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट और इसको बढ़ावा दें। तो वैसे और ये भी है कि ये स्मॉल लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से टूरिज्म के सेक्टर में आपका जो है बिजनेस या आपकी एक्टिविटी जो है शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में सेटअप करें तो आपको मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, बहुत सारी लेबर फोर्स चाहिए होगी, तो उसमें बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है स्टार्ट ही करने के लिए बिजनेस। पर टूरिज्म सेक्टर वैसा नहीं है, इट इज़ लेस कैपिटल इंटेंसिव, इसमें स्मॉल कैपिटल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बेसिकली राइटर कहते हैं कि हमें स्टेप्स क्या लेने चाहिए आगे चल के, अपनी वर्कफोर्स को टूरिज्म सेक्टर के लिए ट्रेन करना चाहिए, जैसे आप इंग्लिश में लिटरेसी दें, आप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में लिटरेसी दें, टूरिस्ट गाइड को कंट्रोल करें, ऐसे वो
फॉरेन टूरिस्ट की तरह के पीछे भाग ना रहे हों, बट प्रोफेशनली दे शुड डील. ऐसी वाली ट्रेनिंग हमें चाहिए इस सेक्टर को आगे हेल्प करने के लिए, वो एक लॉन्ग टर्म मेजर होगा. उसके बाद राइटर लिख रहे हैं कि इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जैसे कि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस या ऐसी टाइप की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ रही है, वो इम्प्रूव हो रही है. पहले 65th पोजीशन पे था 2013 में इंडिया इस इंडेक्स पे, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रेजेंट की जाती है, ये आप याद कर लीजिएगा. ये रिपोर्ट्स प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की परफॉर्मेंस जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है ट्रैवल सेक्टर में, वो इम्प्रूव हुई है, 34th पोजीशन पे आ गया है 2019 में. तो आगे चल के हमें और क्या चाहिए कि हम पब्लिक प्राइवेट में पार्टनरशिप को लॉन्च करें, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो सके, एंड टू एंड जो है हमारी कनेक्टिविटी हो सके. जैसे कोई टूरिस्ट आए तो उसके पास सारी सर्विसेज होनी चाहिए, एयरपोर्ट से लेके घूमने तक, टूरिज्म होटल्स तक, रेस्टोरेंट्स तक, सारी इंफॉर्मेशन और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट के पास अवेलेबल हो, मैप्स हों, डिजिटली जो कनेक्टिविटी हो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मेट्रो फैसिलिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो. तो ऐसे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें पूरे टूरिज्म पे फोकस करना है, ताकि इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले. और अभी प्रेजेंटली क्या है, हमारी टूरिज्म सेक्टर बहुत ही फ्रेगमेंटेड या छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है. हमें ये कोशिश करनी है कि हम इसकी तरफ भी एक्ट कर सकें. उसके बाद ये एक आइडिया दिया है, आप ये एज अ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. वैसे कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दी है कि ब्लॉकचेन का यूज़ आप कर सकते हैं, जो भी टूरिज्म सेक्टर में मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं उसमें आप ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं. ब्लॉकचेन एक डाटा स्टोरेज जो है टेक्नोलॉजी ही है. अभी आप टेबल और कॉलम के फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, ब्लॉकचेन में बेसिकली कुछ टेक्निकल है, रिकॉर्ड्स जो हैं ऐसे पॉइंटर्स की तरह लिंक होंगे एक दूसरे की तरफ. फाइनली ब्लॉकचेन लेजर जो है वो कह रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी काम आ सकता है. तो आप ये सब पॉइंट्स अपने टूरिज्म सेक्टर के नोट्स में मेंशन कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस डिस्कशन. होप इट हेल्प्स. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग.